हर, नर्मदे हर। हम जिस स्थान पर खड़े हैं उसे भृगु कमंडल के नाम से जाना जाता है, यह महर्षि भृगु की तपस्थली है। यहाँ पर भृगु, महर्षि भृगु आए थे और उन्होंने अपना स्थान बनाया था, तपस्या की थी। आज उनके स्थान उनके नाम से इस स्थान को जाना जाता है। अनेक श्रद्धालु पर्यटन प्रेमी इस स्थान पर आते हैं। यहाँ इस जो चट्टान है, ये ठोस चट्टान है, इसे ही भृगु का कमंडल कहते हैं। इस चट्टान में एक छोटा सा छेद है, उस छेद में आप हाथ डालेंगे तो आपको उसमें से पानी मिलता है। ये आश्चर्य का विषय है कि एक पत्थर में 12 महीने पानी कहाँ से आता है, कैसे रहता है, क्योंकि पूरा इलाका बहुत हम ऊंचाई पे है और पूरा इलाका पत्थर का है, और उस पत्थर में पानी होना ये अपने आप में एक आश्चर्य। और यही जो पानी है वो श्रद्धा का केंद्र भी बनता है, लोगों की श्रद्धा भी उत्पन्न करता है। महाराज भृगु के बारे में लोगों की बड़ी श्रद्धा है, यहाँ आकर वो उनका स्मरण करते हैं और कमंडल में से पानी लेकर के आचमन करते हैं। नर्मदे हर।